नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको NTPC CVT 2 के बाद जो स्किल टेस्ट होनी है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। दोस्तों, NTPC CVT 2 के बाद स्किल टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी तो कर ही रहे होंगे, लेकिन इसको कैसे करना है और वहाँ का जो पैटर्न है वो किस तरह से है, ये सब बातें आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकें। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में 2015 की NTPC से संबंधित जो स्किल टेस्ट हुए हैं उसके कुछ ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्किल टेस्ट क्या है, कैसे होता है। तो दोस्तों, जो स्किल टेस्ट आपको होना है उसमें ये जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी ये सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए रखा गया है। दोस्तों, आपको जो PC मिलेगी वो विंडोज़ या फिर लिनक्स होगी, लेकिन ज़्यादातर आजकल विंडोज़ PC पे ही टाइपिंग करने को मिलता है। इंग्लिश टाइपिंग या हिंदी टाइपिंग दोनों में से आप किसी में भी टाइपिंग कर सकते हैं जो आपको आती हो। तो सबसे पहले अगर इंग्लिश टाइपिंग की हम बात करें तो इसकी जो फॉन्ट साइज होगी दोस्तों 12 होगी, यानी 12 आपको रखना होगा। और इसमें जैसे कई इंग्लिश के फॉन्ट हैं तो आप यूज कर सकते हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं। इसके बाद हिंदी टाइपिंग की बात करें तो फॉन्ट साइज आपको 14 रखना है, यानी 14 फॉन्ट साइज होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें फॉन्ट जो इस्तेमाल करने के लिए रेलवे की तरफ से सलाह दिया जाता है वो क्या है, मंगल या फिर कुर्तिदेव, यानी मंगल और कुर्तिदेव दोनों में से आप किसी भी फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ट साइज को 14 रखते हुए। उसके बाद दोस्तों, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो टोटल आपको टाइम टाइप करने के लिए मिलेगा 10 मिनट, यानी 10 मिनट में आपको टाइप कर देना है। और दोस्तों, स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी क्वालिफाइंग स्पीड आप कितना रखोगे कि जिससे कि आपका ये टाइपिंग स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और उसके बाद इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, यानी 25 के शब्द प्रति मिनट से आपको टाइपिंग करनी होगी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट यानी 30 शब्द प्रति मिनट जो है आपको टाइपिंग करनी होगी। दोस्तों, कुछ पोस्ट जैसे अगर हम देखें यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल अप्रेंटिस, उन पोस्ट यहाँ पर आपको दिखे हैं, ये टाइपिंग स्किल इसमें नहीं होता है। इसमें जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, वो आपको इसमें देना पड़ता है। उसी तरह से अगर यहाँ देखें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, दोस्तों ये जो पोस्ट है इसमें टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य नहीं है, यानी इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी बातें हुई कि किस तरह से टाइपिंग करने का तरीका होगा। अब हम दोस्तों बात करें कि आप टाइपिंग करेंगे और कितने वर्ड्स उसमें किस रेट से आप करने वाले हैं और कितने वर्ड उसमें माफ़ किए जाएंगे, ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रेलवे ने स्टैंडर्ड मेजर फॉर काउंटिंग वर्ड्स के लिए जो रूल्स बताए हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको देखें तो यहाँ पर @5 strokes per word, यानी कि प्रत्येक शब्द के लिए कम से कम 5 स्ट्रोक्स की गति आपको रखनी होगी। इंग्लिश टाइपिंग में देखें तो मिनिमम आपको 300 शब्द टाइप करना है या फिर 1500 स्ट्रोक्स आपको मारने हैं, ये याद रखें। और ये जो स्पीड आपको बताई कितनी रखनी होगी तो 30 वर्ड पर मिनट की। इसके बाद हिंदी टाइपिंग की बात करें तो कम से कम आपको 250 वर्ड टाइप तो करने ही होंगे, यानी कि 1250 स्ट्रोक्स आपको लगाने होंगे। इसके बाद ये जो स्पीड आपको बताई गई है कि 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग के लिए रखनी है हिंदी में। उसके बाद मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो कितना प्रतिशत मिस्टेक्स इग्नोर किया जाएगा इसको जानते हैं, तो 5% आपके मिस्टेक्स काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो भी आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी जो टोटल वर्ड्स टाइपिंग होगी उसमें से डिडक्शन होना शुरू हो जाएगा और उसको डिडक्ट करने के बाद ही आपकी फाइनल स्पीड रेलवे के द्वारा निकाली जाएगी। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, 10 मिनट का टाइम रहेगा और आपको 5% मिस्टेक माफ़ है, तो अगर आपने टोटल स्ट्रोक जो टाइप किए हैं वो 1600 स्ट्रोक आपने लगाए हैं, टोटल वर्ड टाइप हुआ है वो 1600 भागा 5 यानी कि 320 वर्ड जो है आपका टाइप हुआ। और आपको मैंने बताया था कि 1 वर्ड में 5 स्ट्रोक होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, टोटल अगर आपका मिस्टेक्स होता है 19 यानी 19 आप गलत करते हो, ठीक है, तो इग्नोरेबल मिस्टेक यानी आपको
कितना इग्नोर किया जाएगा, तो मैंने बताया है कि 5% आपको इग्नोर किया जाएगा। तो टोटल आपने 320 शब्द टाइप किया है, तो उसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, यानी 16 शब्द आपके माफ हैं। अब हम देखें यहाँ पे, तो टोटल अगर हम 19 वर्ड यहाँ पे आपको मिस्टेक्स हुए हैं तो उसमें से 16 को घटा दें तो कितना बचेगा, यानी यहाँ पे 3 आपका जो है वो नेट गलती है जो अब माफ नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम नेट स्पीड निकालते हैं, तो नेट स्पीड में 320 माइनस यानी टोटल ये शब्द है और 3 × 10 यानी ये नेट आपका मिस्टेक है 3 और 10 से इससे मल्टीप्लाई किया जाता है रेलवे के नियम के अनुसार, तो टोटल आपको आता है 290 शब्द आपका आ जाता है। टोटल कितना आता है, 290 शब्द। अब उसको टाइमिंग टेस्ट कितना है, तो 10 मिनट यानी 10 से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 290 को, तो टोटल जो टाइमिंग टोटल जो स्पीड आपकी आ जाती है वो 29 शब्द पर मिनट आ जाती है। तो ये पूरा जो है रेलवे की तरफ से इस तरह से टाइपिंग से संबंधित जो फॉर्मूला है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपके बहुत ही काम आएगी। तो ये सारी बातें ओवरऑल स्किल टेस्ट से संबंधित थी जो मैंने आपको बताया है। अब मैं दोस्तों आपको जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है टाइपिंग से संबंधित जो 2015 NTPC के लिए रेलवे की तरफ से जारी की गई थी उसको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की तरफ से सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2015 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई थी और ये CVT 2 स्टेज होने के बाद जारी की गई थी। और ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर वो NTPC ग्रेजुएट पोस्ट से संबंधित है। इसमें स्किल टेस्ट की भी बात की गई थी, तो वो क्या क्या बातें हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होना है वो तो आपको पता है कि किस किस पोस्ट के लिए है और ऐसा मैंने बताया भी है। तो सबसे पहले अगर देखें तो व्हाट विल बी द मोड ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट, क्या कहा गया है रेलवे की तरफ से, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्टेड ओनली ऑन कंप्यूटर, ठीक है, जो आपको प्रत्येक रेलवे बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें एडिटिंग टूल्स और स्पेल चेक फैसिलिटी जो है वो डिसेबल की रहेगी, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ में दोस्तों कुर्ती देव एंड मंगल फॉन्ट आपको यूज करने के लिए अवेलेबल रहेगा, है ना, जो आप टाइपिंग स्किल टेस्ट हिंदी में दे रहे हो। तो उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन क्या होगा स्किल टेस्ट का, तो मैंने आपको बताया है 10 मिनट का रहता है। इसके बाद स्पीड रिक्वायरमेंट, तो आपको पता ही है कि स्किल टेस्ट इंग्लिश के लिए 30 वर्ड और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी के लिए जरूरी है। इसके बाद दोस्तों खास करके वहाँ पर हम देखें कि हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड फॉर द एग्जेम्पशन, यानी PWD कैंडिडेट्स हैं वो अगर मेडिकल सबमिट करते हैं सर तो उनको एग्जेम्प्ट दिया जा सकता है, लेकिन अगर वो फेल भी हो जाते हैं तो उनके लिए क्या है दोस्तों कि 2 साल तक की उनकी वैलिडिटी रहेगी, यानी कि अगर वो फेल हो जाते हैं तो प्रोविजनली उनको प्लेस कर दिया जाएगा पैनल में और उसके बाद उनको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से 2 साल के भीतर टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों और जानते हैं इसमें, तो वेदर पैराग्राफ फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट विल बी शोन इन कंप्यूटर ओनली, यानी दोस्तों क्या कंप्यूटर पे ही सिर्फ पैराग्राफ दिखाई पड़ेगा टाइपिंग करने के लिए, तो हाँ दोस्तों ये सही बात है क्योंकि आपको कंप्यूटर पे ही पैराग्राफ दिखेगा, हार्ड कॉपी पैराग्राफ की आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों टाइपिंग से पहले क्या आपको रिहर्सल के लिए टाइम दिया जाएगा स्किल टेस्ट करने के लिए, तो ये बात सही है, यानी हाँ, यानी कि आपको टाइपिंग से पहले रिहर्सल के लिए आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा जिससे आप रिहर्सल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या सेकंड चांस मिलेगा जो भी कैंडिडेट अगर वो एब्सेंट रहते हैं, तो नहीं, यानी जो भी कैंडिडेट अगर टाइपिंग टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं उन्हें दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये स्किल टेस्ट से संबंधित जो बातें हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के द्वारा नोटिफाइड किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्किल टेस्ट से सारी जानकारी लगभग समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं किसी अन्य ऐसे यूजफुल वीडियो में। धन्यवाद।